हेलो फ्रेंड्स, प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कि हमें अच्छे आहार का सेवन करना चाहिए, योगासन करने चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के लिए एक बहुत ही साधारण सी सब्जी का प्रयोग आप रोजाना कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज टमाटर के बारे में। रोजाना एक टमाटर का प्रयोग करके आप प्रोस्टेट कैंसर से अपने आप को बड़ी ही आसानी से बचा सकते हैं। एक शोध से पता लगाया गया है कि यदि आप एक हफ्ते के अंदर 8 से 10 टमाटरों का सेवन करते हैं तो यह है आपके शरीर के अंदर प्रोस्टेट कैंसर को 18% तक कम होकर देता है, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से सुरक्षित भी रह पाते हैं। साथ ही साथ टमाटर के अंदर मौजूदा विटामिन्स आपके शरीर को पोषित भी कर पाते हैं। टमाटर के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो न केवल आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचाते हैं, बल्कि आपकी स्किन और आपके लंग्स को अच्छा बनाने में भी काफी ज्यादा मददगार होते हैं। इसीलिए आप चाहे तो रोजाना टमाटर का सेवन करके भी अपने शरीर से प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आप चाहे तो रोजाना टमाटर को अपने सैलेड के अंदर सेवन कर सकते हैं, या फिर रोजाना टमाटर के जूस का प्रयोग भी कर सकते हैं। टमेटो प्यूरी आपके खाने को न केवल स्वादिष्ट बनाती है बल्कि अच्छी रंगत भी देती है, लेकिन इसी के साथ साथ ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को भी काफी हद तक कम कर देती है। क्योंकि टमाटर के अंदर खटाई होती है, इसीलिए ये कैंसर के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। खटाई होने का मतलब है कि इस टमाटर के अंदर विटामिन सी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो कि हमारे शरीर को न केवल अच्छे तरीके से चलाती है बल्कि हमारे स्किन को भी अच्छा बनाने में मदद करती है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से मामूली से दिखने वाला टमाटर भी हमें प्रोस्टेट कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए मददगार होता है। इसीलिए अपने खाने के अंदर टमाटर को शामिल करना बिल्कुल न भूलिए। मेरी इस वीडियो को देखिए और लाइक जरूर कीजिए।